साइबर सिटी गुरुग्राम में बिल्डरों की मनमानी के चलते गुरुग्राम वासी कई सालों से समस्याओं से जूझ रहे थे और अब की बार तो सुशांत लोक निवासियों ने नो रोड नो वोट का नारा भी दे दिया था। जैसे इस बात की भनक भाजपा के मंत्रियों तक पहुंची तो हालात सुधरे और हलचल मचनी शुरू हो गई। आखिरकार अब भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने वोट मांगने से पहले ही सुशांत लोक निवासियों की समस्याएं दूर कर दी और कॉलोनी को निगम के दायरे में लाकर पहले ही 44 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। मैं यही सुशांत लोकवासी हूँ। हमारे यहाँ कौन सी समस्या नहीं थी, जितनी हमारी समस्याएं थी उन सबका उन्होंने बड़ा शिद्दत से समाधान किया है। एज ए पॉलिटिशियन नहीं, एज ए रेजिडेंट्स वो हमारे साथ रहती हैं और हमारी हर समस्या का समाधान किया। हमें राहत 100% मिलेगी, ये हमारी उम्मीद है। सुशांत लोक में पिछले 15 साल से रह रहा हूँ यहाँ पर और बहुत बुरी हालत थी। जिस समय पार्षद के चुनाव के लिए हम लोग गए हैं, जब पार्षद के चुनाव हुए उस समय बहुत बुरी हालत थी सुशांत लोक की। और जैसा आज आपने देखा कि शुरुआत यही हुई थी कि नो रोड नो वोट्स, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तब से पहली बार लोगों को ये लगा है कि कोई सरकार वाकई में काम कर रही है लोगों के लिए। हमको 100% राहत मिली जी, हमें 100% राहत मिली। ये किसी सरकार ने पिछले 15 साल में हमारे सुशांत लोक की कोई होश नहीं ली। और जब से बहन आरती हमारी काउंसलर बनी है तब से, मतलब उनके प्रयास से, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राव इंदरजीत जी उनके प्रयास से, हमारी जो गवर्नमेंट है हरियाणा सरकार की उसके प्रयास से हमारे सारे काम पूरे हो रहे हैं और बहुत अच्छे हो रहे हैं। स्मार्ट ग्रिड का काम चल रहा है सारा, अभी ये सारे सिस्टम चेंज हो जाएंगे। किसी ने सोचा ही नहीं था जो विजन इस सरकार के पास है, जो विजन मोदी जी के पास है, वो आज तक हमें कभी किसी सरकार में नजर नहीं आया। वही राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अंसल की बनाई हुई ये प्रॉपर्टी है, इसलिए नगर निगम या सरकार यहाँ पर काम नहीं करा सकते। सबसे पहले उन्होंने सुशांत लोक और साउथ सिटी को नगर निगम में शामिल करवाया ताकि यहाँ पर विकास के काम हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि आज जो आधारशिला रखी गई है उसके अंतर्गत सुशांत लोक एक और साउथ सिटी एक में पानी, सीवरेज और सड़क की सभी सुविधाएं दुरुस्त की जाएगी। तो खुशी का माहौल है, कोई 60 करोड़ रुपया खर्च होगा रोड बनवाने के अंदर, मरम्मत करवाने के लिए। और ये कई दिनों से, कई मैं समझता हूँ सालों से भी हो सकता है, कोशिश में कर रहे थे कि हमारी जर्जर जो हालत है सड़कों की उसको ठीक करवाया जाए। पर समस्या ये आ रही थी कि ये कॉलोनी निगम की तरफ से टेक ओवर नहीं हुई थी और जब तक टेक ओवर नहीं हो जाती तो पैसा निगम नहीं लगा सकता उसके अंदर, ना हरियाणा सरकार लगा सकती। ये प्राइवेट कॉलोनी है, सुशांत की बनाई हुई, सुशांत अंचल की बनाई हुई है। अब टेक ओवर हुई पहले और उसके बाद जब टेक ओवर होने के बाद इन्होंने यहाँ से केस भेजा कि मरम्मत के लिए पैसा चाहिए, तो हाल ही के अंदर ये मंजूरी मिल गई है 60 करोड़ रुपये की और इनके ऊपर जो उम्मीदें थीं ये काम होगा वो शुरू हो जाएगा। कई लोग, कईयों की तो पाइपलाइन में है, कई लोग इस तरह के जो बिल्डर्स हैं जो मतलब लोगों को गुमराह कर रहे हैं या देना नहीं चाहते, इस तरह के भी कुछ लोग हैं हमारे संज्ञान के अंदर। और हमने एक भारत सरकार की तरफ से एक्ट पास किया है जिसका मतलब प्रॉपर्टी डीलर्स को राहत मिल सकती है उसके माध्यम से, और खंडेलवाल साहब यहाँ के इंचार्ज हैं हरियाणा के बनाए हुए उसके। और सबसे ज़्यादा समस्या गुड़गांव के अंदर है, तो मैं समझता हूँ सहज सहज सारी बातें जो हमारे संज्ञान के अंदर हैं उसका कुछ ना कुछ हम निकाल पाएंगे। और हरियाणा पहला एक प्रदेश है जहाँ पर समझ लो एक तो एम्स की शाखा है जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली है, उसकी शाखा हमारी बाढ़सा के अंदर है। और हमारी जो यहाँ पर जो एम्स बनने जा रही है मनेठी के अंदर, ये फुल फ्लेज्ड एम्स लाइक इन दिल्ली इस तरह की होगी। 20 इसके अंदर सुपर स्पेशलिटीज़ की शाखाएँ होंगी, मेडिकल कॉलेज होगा, अल्ट्रम्पटम जो भी कुछ होता है एम्स के अंदर सारा का सारा यहाँ पे होगा। और सिर्फ 1200 या 1250 के ऊपर खर्च नहीं होगा, 1000 करोड़ खर्च होगा इसके ऊपर और लोगों को अच्छी खासी राहत राजस्थान तक के लोगों की मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।